छत्रपति शिवाजी महाराज की। हेलो गाइस, गुड नाइट। तुम लोग सो रहे हैं बट वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, होप करता हूँ खा पी कर एकदम तंदुरुस्त हो। सो आज के नए ब्लॉग में अपन जा रहे हैं सांदन वैली, द ग्रेट कैनियन ऑफ महाराष्ट्र। सो मैंने फर्स्ट ट्रैकिंग किया था 2018 में, जो माहुलीगढ़ था, और इसके बाद ये सेकंड रहेगा जो मैं रैपलिंग हम लोग करने वाले वहाँ पे। तो अभी बजे है रात के 11:30, हम लोग स्टेशन पे, आम्बुली स्टेशन पे, और यहाँ से हम लोग को लास्ट जो ट्रेन है कसारा के लिए वो पकड़ के वहाँ से प्राइवेट कैब रहेगा, वो सब मैं दिखाऊंगा आपको रूट में। फाइनली लास्ट ट्रेन कसारा के लिए जो ट्रेन आ गई है, और हम लोग अभी चल रहे हैं। फाइनली हम लोग परफेक्ट 1:12 बचे और हम लोग कसारा पहुँच गए, और सारे हमारे एक्साइटेड ट्रैकर्स लोग एकदम फॉर्म में चल रहे हैं। तो अभी यहाँ से बाहर जो है हम लोग ने प्राइवेट कैब किया है कि कैब आ ले लिए, कैब नहीं बट जीपन गाड़ी आमची प्राइवेट। सो रेडी वर बस है तो आप लेला। ये देखो कैसा भाग रहा है ऊपर बैठने के लिए। मंगल मूर्ति, अरे बोला मंदिर मामा की और ये लोग हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं यार, ऐसा कौन करता है यार। गुड मॉर्निंग गाइज, और मॉर्निंग के अभी 6 बज गए हैं। ये हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल रुके हैं, और ये लोग यहाँ पे शेकोटी कर रहे हैं। लेकिन ये देखो, ये जो सामने दिख रहा है ये है रतनगढ़, और फिर वहाँ पे जो सामने दिख रहा है वो है जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट, कलसुबाई। सो ये ऑलमोस्ट हम लोग अभी कुछ थोड़ा एक सनराइज़ हो जाए, देन कुछ 7:30 के अराउंड हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे रैपलिंग के लिए, और यहाँ पे ब्लॉगर ही ब्लॉगर भरे पड़े। सब लोग ऑलमोस्ट रेडी हो गए, जीतू भाई का कुछ बाकी है। लेकिन दादा नाम क्या है तुमसे? अजय। दादा फुल रेडी है एकदम, हमसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स घेऊन, हेलमेट है, हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट है ना, अजून काय लागतंय त्यात, ग्लव्स, हाँ, तो फुल एकदम सेटअप रेडी है। आता जायचं किती दूर है इथून? 20 मिनिटं चालत, जस्ट 20 मिनिटं चालत जायचं, चल के जाना है। हिंदी से मराठी का बोला, आप थोड़ा ट्रैक से भटक गए, ठीक है यार, दोनों अपना ही है। तो इधर से अभी 20 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है, वहां से जाके फिर रैपलिंग स्टार्ट करते हैं। तो चला था दादा, चला। जंगल है उसके अंदर का ट्रैक चालू होगा, पीछे देख पा रहे हो मेरे, मेन एंट्रेंस गेट है ये, यहाँ से हम लोग अभी एंटर हो गए। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस भी लिखा हुआ है कि बारिश में जो है ये जो वाटर रैपलिंग है वो बंद रहता है, सो प्लीज आइए मत यहाँ पे, बाकी तुम ट्रैक वगैरह कर सकते हो बट रैपलिंग जो रहेगा वो बंद रहेगा। सो क्लीन नोटिस उन्होंने दे दिया है। सो चलिए अपन एंट्री करते हैं अभी अंदर। ऐसे ऐसे रास्ते रह गए, यहाँ से गया तो सीधा नीचे, तो अपन थोड़ा बच बच के, यही है वो, यही पे हमें उतरना है। कुछ नहीं, अपन आगे थे, 4th पर आ गए, और हम लोग ये लोकेशन पे पहुँच गए जहाँ पे से रैपलिंग होगा, और ये हम लोग का यहाँ पे बांध दिया हुआ है। ये है रमेश दादा, आगे ट्रैकिंग करने का है, और ये है अजय दादा जो आज की रैपलिंग पे हम लोग को गाइड करेंगे। और वहाँ पे तुमने देखा वो रस्सी टंगा हुआ है,
वहाँ से सीधा नीचे 200 फीट। सो जो हम लोग ये यहाँ पे जो दिख रहा है तुम वो वहाँ से हम लोग वॉकेबल आए, 20 मिनट्स लगा हमको। सो अभी हम लोग देखते पहला कौन जा रहा है उसके हिसाब से चलते आगे आगे। सो वो वहाँ से यहाँ तक 120 फीट का जो पॉइंट था वो डिस्टेंस था वो कवर कर लिया। लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बीच में थोड़ा हो गया था, इन द सेंस डरने की बात नहीं रहती बट डर थोड़ा सा रहता है, बट फिर भी सेफ्टी अवेयरनेस वगैरह था इसलिए। और ये लोग एक्सपीरियंस वाले हैं सब, तो इतना तो गारंटी था कि मरेगा नहीं अपन। सो ठीक है, कर लिया क्रॉस। ये पीछे है जो तुम लाइक यहाँ से भी वॉक करके आ सकते हैं, लेकिन हमको खुजली थी, ये एक्सपीरियंस लेना था इसलिए हम लोग ऐसे आए। और यहाँ से स्ट्रेट जो है वो 4 किलोमीटर समथिंग ट्रैक है, जो मेन हम बोलते हैं सांधन वैली, ग्रेट कैनियन, क्रैनियन। हाँ, ये एक लाइफ का अमेजिंग एक्सपीरियंस था, द ग्रेट कैनियन, सांधन वैली। सो आगे अभी और भी हमारे हम लोग जस्ट 3 जन आए गए। ये एक बंदा जो है इधर गया, हाँ ये रहा क्रिश, उसका क्या नाम है, पार्थ, अथर्व। हाँ अथर्व ये पहला आया सबसे बंदा, जिगरबाज। उसके बाद आया अपना ओ भाई, फिर आए अपन, वो भी आए अपन श्री रघुनाथ का नाम लेके। सो ठीक है, अभी आगे की जर्नी तुमको दिखाते हैं, क्लिप डाल देंगे आगे। हाँ वो ऊपर से लिया, वो क्लिप भी डाल देंगे। तो तब तक चलिए आगे कंटिन्यू करते। तुमने देखा हम लोग ने रैपलिंग करके और फिर वो पूरा पोर्शन कवर अप कर लिया। और यहाँ से अभी हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! हर हर महादेव! हर हर महादेव! यहाँ से स्ट्रेट 4 किलोमीटर हम लोग ने ये ऐसा वाला जो रास्ता है क्रॉस किया। कैसा लग रहा है भाई आपको? बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर था। लग रहा है ना कि अपने पूर्वज जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। बहुत ही। सो जो 4 किलो हम लोग ने तय किया है वो सामने जो वाटरफॉल है इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, नहीं दिख रहा है तो फिर वहाँ जा ही रहे, वहाँ से दिखा। Thank you.
हाँ सो गाइज, ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। तुमने देखा स्टार्टिंग हम लोग ने रैपलिंग से किया, देन वो नाइट वाला सब बहुत ही मज़ा आया। थ्रिलर एक एक्सपीरियंस था, एडवेंचरस। सेकेंड थिंग था कि रैपलिंग वाला, फिर उसके बाद ये जो तुम देख रहे हो ऐसे रास्ता, ऐसा जो रास्ता है, हम लोग ऑलमोस्ट 3 to 4 kilometers हम लोग क्रॉस करके एंड तक आए यहाँ पे। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर हम लोग वो वाटरफॉल में जो है वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और फिर उसके लिए रिटर्न, फिर जाएंगे लंच के लिए और वहाँ से फिर नाइट कैंपिंग है, फिर आगे मिलते हैं।